मसूरी में शुक्रवार को नगरपालिका परिषद के सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें मसूरी के विकास को लेकर लाए गए प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस मौके पर पालिका सभासद गीता कुमारी के द्वारा बोर्ड बैठक के लिए तैयार की गई एजेंडा में खामियों को लेकर हंगामा किया गया। सभासद प्रताप पवार ने कहा है कि पालिका अध्यक्ष ने मसूरी बेचने के लिए प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें उनके द्वारा 7 सभासदों को अपने साथ कर बोर्ड का बहुमत और खुद का बहुमत पूरा कर सभी प्रस्तावों को पास कराया जा रहा है। सभासद गीता कुमारी ने कहा है कि पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर तैयार किए गए एजेंडे में कई खामियां हैं। कई प्रस्ताव तो दो दो तीन तीन बार लाए गए हैं, जिन पर उनके द्वारा अधिशासी अधिकारी के सवाल जवाब किया गया है। उन्होंने बताया है कि पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। आज बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक हुई, जिसमें निर्माण कार्य को लेके बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिसमें सबसे जो पहला है वो जितनी भी पेयजल निगम ने हमारी सड़कें खोदी है उनको दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा। सड़कों की जो खस्ता हालत, पालिका जो सड़क है वो काफ़ी ख़राब है, उनको दोबारा से बनाया जाएगा। इसके अलावा मसूरी झील विकास प्रस्ताव पास हुआ, जिसको 15 वर्ष के लिए दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है, और इसमें बिल्कुल आधुनिक तरीके से झील बनाई जाएगी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे पर्यटक जाते हैं, ना कोई सुविधा है, तो उसको सुविधा के साथ बनाने के ये प्रस्ताव मसूरी झील का पास हुआ है। इसके अतिरिक्त सफाई को लेके भी इसमें एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें जितने भी हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, हमारे मसूरी देहरादून रोड है, काट मैकेंजी रोड है, आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ भी पालिका द्वारा सफाई कार्य किया जाएगा। तो क्योंकि ये लगती हुई क्षेत्र हैं और इसमें पालिका कि अगर कोई बगल में गंदगी होती है तो पालिका पे इस पर विपरीत इफेक्ट इसका पड़ता है। तो सदन है, सदन में सबका अधिकार है बहस करने का, और बहुत अच्छी बात है कि सदन में बहस होनी चाहिए, मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, और उसको देखते हुए चर्चा हुई और एक सफल बोर्ड बैठक यहाँ पे आयोजित की गई। उनका ये भी आरोप था कि वेंडर्स को दो, मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ, पूरी पारदर्शिता के जो भी दुकान दी जाएंगी वो गरीब लोग वेंडर्स को दी जाएंगी। वो वेंडर्स केवल माल रोड के नहीं है, वो वेंडर्स पूरे शहर के हैं, चाहे वो किंगक्रेट के वेंडर्स हो, चाहे वो बिग बैन के वेंडर्स हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल लंढौर घंटाघर के वेंडर्स हो, समस्त वेंडर्स के लिए ही वेंडर जोन बनाया जा रहा है और केवल वेंडर्स को ही वेंडर जोन दिया जाएगा। के लिए नहीं, चंद लोगों के विकास के लिए है जो पालिका अध्यक्ष के चहेते हैं। बोर्ड बैठक का नियम ये होता है, हमें अधिशासी अधिकारी महोदय से बात करनी होती है और हम अधिशासी अधिकारी महोदय के माध्यम से ही सवाल पूछते हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष का उठ उठ के हर बात पे जवाब देना और ये कहना कि एजेंडा बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की इच्छा से यह एजेंडा बनाया गया है। मैंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें मैंने लिखा है कि प्रस्ताव जिसके नाम से भी दिया जाता है उसका नाम उल्लेखित होना चाहिए, तो बिल्कुल करप्ट एजेंडा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार से लिप्त एजेंडा है। एमडीडीए ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है, तो क्या आप उस कार्य को कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जनता के साथ प्रपंच कर रहे हैं, जनता के साथ छल कर रहे हैं। शिफनकोट वासियों को आप देख सकते हैं कि बेघर कर दिया गया था, और कोई भी जनप्रतिनिधि जिन्होंने उन्हें बसाया था कोई भी उनके फेवर में आगे आके नहीं खड़ा था, फिर से वही तैयारी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है। एक साल पहले जनता को गुमराह करके, बेवकूफ बना के, गलत तरीकों से आवंटन किया जा रहा है, जबकि वो प्रॉपर तरीके से बना नहीं है। मसूरी के गरीब लोगों को ये सब मिलना चाहिए, हम भी उनके हितैषी हैं, पर हम नहीं चाहते शिपन कोर्ट फिर से दोहराया जाए। जिम में, तो जिम में पूछा कि आप बताइए, एक प्रस्ताव जिम को लेके भी आ रखा था कि जिम में इन इन संसाधनों की आवश्यकता, तो मैंने उनसे कहा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर आपने जिम बनाया तो इसकी सेवाएं हम कैसे संचालित कर रहे हैं? उन्होंने कहा निःशुल्क है, लेकिन इतने में क्षेत्रीय सभासद ने बोला कि नहीं जी, उसके चार्जेस लिए जा रहे हैं। कॉल पे भी हमारे पास रिकॉर्ड है जिसमें यह कहा गया कि 800 रुपये प्रति माह चार्ज लिया जाता है, पहले माह में 800 रुपये, दूसरे माह से 500 रुपये। तो आप अपने चहेतों को जिसको भी दिया आपने रोजगार, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप मानिए इस बात को, एडमिट कीजिए कि आप सिर्फ अपने अपने वोट बैंक पे काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने लोगों को कार्य दे रहे हैं और भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो जाती है कि जहां से आपका फिक्स हो गया वहां पे आपको क्या बोलते हैं, आप उनको आवंटन कर देंगे, तो कोई गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें वेंडर्स के दुकानों की, तो आप देख सकते हैं कि वेंडर्स की दुकानों के लिए भी एक वेंडर कमेटी बनती है और वेंडर्स डिसाइड करते हैं कि उस कमेटी में कौन कौन है और कमेटी के हिसाब से दुकान वेंडर जोन जो है वो निर्धारित किया जाता है। वेंडर जोन एक ओपन एरिया में होता है। कभी आप कहते हैं कि अतिक्रमण के नाम पे जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं उनको दुकानें आवंटित की जाएंगी, कभी आप कहते हैं कि वेंडर्स को आवंटित करेंगे, तो अगर इलीगल को आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो लीगल हो जाएगा? ये कानून का जो इनकी दोहरी नीति है
और इनके लिए जो कानून की रूपरेखा अलग है वो मेरी सीट के कोई मायने नहीं है। मेरा कहना यही है कि अगर आप जनता को दुकानें देने जा रहे हैं या कुछ भी देने जा रहे हैं, फिर से आप एक रसीद देंगे, तो जिन्होंने ऑलरेडी रसीद दे रखी थी उनका तो आपने बिना नोटिस के आपने उनका ध्वस्तीकरण कर दिया। तो ये आपकी जो नीति है दोहरी नीति है, पक्षपात की नीति है। आप सिर्फ जनता को दिखाना चाहते हैं, पहले आप उनके मुंह से रोटी छीन रहे हैं, फिर अपने हाथ से रोटी देके उनको ये एहसास करा रहे हैं कि तुम्हारा पेट मैं भर रहा हूं। लेकिन ये मसूरी की जनता बेवकूफ नहीं है, वो इन सब चीजों को समझ रही है।